वेलकम बैक फ्रेंड्स। चैप्टर 10 खान के कार्य मेथड ऑफ वर्किंग। ठीक है, देखते हैं। पिछला हमने वेंटिलेशन डिस्कस किया है, अब आगे मेथड ऑफ वर्किंग जो है इससे रिलेटेड जितना भी रेगुलेशंस है बारी बारी से हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, सो बने रहिए। रेगुलेशन 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, पहला सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सुरक्षा प्रबंध योजना, इसके तहत क्या कहा जाता है चलिए हम आगे देखते हैं। प्रत्येक खान का स्वामी अभिकर्ता और प्रबंधक खान में सुनियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े खतरों की पहचान करेंगे जो कार्य के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक खान का स्वामी अभिकर्ता और प्रबंधक खान में सुनियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े खतरों की पहचान करेंगे जो कार्य के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, स्वास्थ्य और सुरक्षा जिसमें कार्य के दौरान कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन? स्वामी अभिकर्ता है ना खान का। ओके, पहचान किए गए खतरों का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जितना भी खतरा मिले उसका रिकॉर्ड करेंगे और उसका एक डाटा लिखेंगे। ठीक है, प्रत्येक ऐसे रिकॉर्डों को कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है खतरों की पहचान के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे। ठीक, कोई भी खतरा यदि मिल जाए तो उसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे। ठीक है, खान का स्वामी अभिकर्ता खान में रिकॉर्ड किए गए जोखिम का उन्मूलन करेंगे। ठीक है, खान का स्वामी अभिकर्ता और प्रबंधक खान में रिकॉर्ड किए गए जोखिम का उन्मूलन करेंगे, मैंने उसे हटाएंगे तथा जो जोखिम बना रहे उसके लिए संरचनात्मक उपाय करेंगे। ठीक है, तथा जो मैंने कोई भी जैसे कि डेंजर जो है कि हटाया नहीं जा सकता है या कोई खतरा जो हटाया नहीं जा सकता है उसके लिए क्या करेंगे ना, उससे बचने के लिए कुछ उपाय करेंगे। ठीक है, कौन? प्रत्येक खान का स्वामी अभिकर्ता या प्रबंधक मैनेजर। ठीक है, स्वामी अभिकर्ता या मैनेजर। ठीक, पहचान किए गए खतरों और जोखिमों के आधार पर खान के स्वामी अभिकर्ता और प्रबंधक, ठीक है, स्वामी अभिकर्ता और है प्रबंधक योग्य दस्तावेज, एजेंट और मैनेजर है ना, योग्य दस्तावेज तैयार करेगा जो सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति को बनाए रखने में के लिए स्वस्थ समस्त प्रबंधन का हिस्सा होगा, जिसमें संगठनात्मक ढांचा, क्रियाविधि, प्रक्रिया और संसाधन सम्मिलित होंगे। पहचान के खतरों और जोखिमों के आधार पर खान के स्वामी अभिकर्ता और प्रबंधक योग्य दस्तावेज तैयार करेंगे जो सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति को बनाए रखने के लिए समस्त प्रबंधन का हिस्सा होगा, जिसमें संगठनात्मक ढांचा, क्रियाविधि, संगठनात्मक ढांचा, क्रियाविधि, प्रक्रिया और संसाधन सम्मिलित होंगे। ठीक है, सुरक्षा प्रबंध योजना मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाएंगी। पहला, कंपनी का स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी नीति। ठीक है, कंपनी जो है क्या किस तरह का स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी नीति बना रहा है उस पर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान निर्धारित करेगा। ठीक है, नीति के कार्यान्वयन की योजना और कौन सा रूल जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा उस पर क्या प्लान बन रहा है। ठीक है, खतरा प्रधान प्रबंधन योजना और प्रधान खतरा जो भी बहुत सारा विशेष खतरा यदि सामने है तो उसके लिए क्या प्रबंधन करना जरूरी है उसके लिए प्लान योजनाएं मैनेज जो है उसमें लिखित रहेगी। ठीक है, सुरक्षा प्रबंध योजना के निष्पादन के मामले निगरानी करने के तरीके जो सुरक्षा प्रबंध योजना से मेल नहीं खाते हो को ठीक करना। ठीक है, सुरक्षा प्रबंध योजना के निष्पादन के मामले निष्पादन को मापने निगरानी करने के तरीके जो सुरक्षा प्रबंध योजना से मेल नहीं खाते हों को ठीक करना है। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में ये सब मेंशन रहेगा। ठीक है, सुरक्षा प्रबंध योजना की नियमित पुनरीक्षण एवं निरंतर सुधार की योजना। ठीक है, तो सुरक्षा प्रबंध योजना का नियमित जो है कि जांच होगा एवं निरंतर सुधार किया जाएगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में। ठीक है, खास बदलाव आने पर सुरक्षा प्रबंध योजना की पुनरीक्षण की योजना। ठीक है, कुछ विशेष बदलाव यदि आएगा सेफ्टी मैनेजमेंट में तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को फिर से बदल दिया जाएगा, फिर से उसको फिर से बनाया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक खान के स्वामी अभिकर्ता और ठीक है खान के स्वामी एजेंट, ठीक है, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, प्रत्येक खान के स्वामी एजेंट और मैनेजर समय समय पर पहचान किए गए खतरों तथा जोखिमों की समीक्षा कर उसमें उन्मूलन या मैंने हटाने उन्मूलन मैंने हटाने नियंत्रण और न्यूनीकरण और सबसे कम से कम उसके खतरा को करने का सुरक्षा समिति से विचार विमर्श करेगी। ठीक है, मतलब जो भी खतरा आएगा खान में तो उसके लिए एजेंट मैनेजर या खान का मालिक, ठीक है, उससे उसको हटाने या कम करने के लिए सुरक्षा समिति से विचार विमर्श करेगी। ठीक है, अब और प्रत्येक खान का स्वामी अभिकर्ता या प्रबंधक, क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक खान का स्वामी
मैनेजर और एजेंट क्षेत्रीय निरीक्षक को, ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर को सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान या सुरक्षा प्रबंध योजना की एक प्रति, ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बोले जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, हिंदी में सुरक्षा प्रबंध योजना की एक प्रति निवेदित करेगा, मैंने भेजेगा, जो किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा योजना में ऐसे संशोधन कर सके जो उसमें लागू हो, ठीक है। तो मतलब रीजनल इंस्पेक्टर जो है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में कोई भी करेक्शन ला सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं लिखित आदेश द्वारा, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि प्रत्येक खान का स्वामी अभिकर्ता और प्रबंधक सुरक्षा प्रबंध योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होगा, ठीक है। तो कोई भी एजेंट और एजेंट मैनेजर और उसका खान का मालिक जो है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होगा, मैंने सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को माइंस में लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए वो जिम्मेवार होंगे, क्लियर। रेगुलेशन 104 के अंतर्गत था सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अब आगे आते हैं मैनुअल ऑफ एंड कास्ट वर्किंग रेगुलेशन 105, ठीक है। रेगुलेशन 105 के तहत हम लोग क्या क्या देखेंगे, मैनुअल ऑफ एंड कास्ट वर्किंग, ठीक है, मैंने हस्तचालित ऑफ एंड कास्ट वर्किंग, ठीक है, कामकाज, ठीक है। मैनुअल ऑफ एंड कास्ट वर्किंग निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएंगी, क्या क्या सावधानियां देखते हैं हम आगे। एलुवियल मतलब होता है जलोढ़, ठीक है। एलुवियल मिट्टी, मोरम मिट्टी, ग्रेवल मिट्टी, क्ले, डेब्रिश या ऐसे अन्य भूमि में किनारों को सुरक्षित कोण या कोण का ढलान दिया जाएगा, मैंने किनारे जो है अच्छे कोण पर रहे ताकि वो स्टेबल रहे, जो क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री के से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो उसका क्या कामकाज है कि जो क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा, जो क्षेत्रीय निरीक्षक के लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञात करे और वह उन शर्तों के अधीन जो उनमें विनिर्दिष्ट करें, ठीक है। तो मतलब रीजनल इंस्पेक्टर जो कहेंगे उसके हिसाब से चेंज होगा, परंतु सामान्य तौर पर जो है कि किनारों को सुरक्षित ढाल पर या कोण पर रखा जाएगा जो 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या, बेंच आकार के होंगे, ठीक है, किनारे जो भी है बेंच आकार के होंगे, बेंच आकार होंगे, ओके, किनारे जो भी है, जो भी किनारे हैं बेंच आकार के होंगे और किसी बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी, ठीक है। किनारे जो है बेंच आकार होंगे, ठीक है, किनारे जो भी है बेंच आकार होंगे और बेंच आकार होंगे और क्या बोल रहा है कि बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और यदि उसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई से कम नहीं होगी, और ये भी सुनिश्चित करना है कि उसकी चौड़ाई जो है बेंच की चौड़ाई जो है उसकी ऊंचाई से कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या और बात क्या है, क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा इन शर्तों के अधीन छूट दे सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अनुदेश क्षेत्रीय निरीक्षक जो है रीजनल इंस्पेक्टर जो है इस इन विनियम के अधीन छूट दे सकता है जो उनकी राय में उपबंधों का अनुपालन उचित रूप से साध्य न रहने देती है या उन उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकता है, ठीक है। मतलब यह कह रहा है कि क्षेत्रीय निरीक्षक जो है इन आदेशों लिखित आदेश द्वारा इन शर्तों के अधीन छूट दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के सामने आता है क्या, जहाँ कोई स्तंभ नाप लिए जहाँ कोई भी स्तंभ नाप लिए नाप के लिए यथावत छोड़ दिया जाता है, वहाँ उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। मतलब कोई भी पिलर हम लोग छोड़ते हैं नाप के लिए तो उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी, और जहाँ ऐसे स्तंभ की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक हो वहाँ उसके आधार का व्यास 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि जहाँ कोई भी स्तंभ नाप के लिए यथावत छोड़ दिया जाता है वहाँ उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी, और जहाँ ऐसे स्तंभ की ऊंचाई 1.25 मीटर से अधिक हो वहाँ उसके आधार पर व्यास जो है 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट, कोयले में किनारे या तो सुरक्षित कोण के या कोण के जो क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा वैसे ढाल वाले रखे जाएंगे, ठीक है, कोयले के किनारे, ठीक है। अब देखो देखिए कोयला जो है वहाँ पे वो भी तो बात हो गया, अब यहाँ पे जहाँ पे कोयला है, ठीक है ना, तो कोयले में किनारे या तो सुरक्षित कोण के या जो क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा वैसे ढाल वाले रखे जाएंगे या किनारे बेंच आकार रखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट आता है बोल के, ठीक है, कोयले के किनारे या तो 45 डिग्री सुरक्षित कोण के जो क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा वैसे ढाल वाले या रखे जाएंगे या किनारे बेंच आकार रखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी बेंच की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, ठीक है, मतलब जो भी बेंच होगा कोयला का बेंच जो भी होगा तो वो 3 मीटर से अधिक नहीं होगी और ऊंचाई से कम नहीं होगी, चौड़ाई जो है ऊंचाई से कम नहीं होगी, लेकिन परंतु मुख्य निरीक्षक उन्हें विनिर्दिष्ट किए गए करें तो ऐसे खनन स्थल को इस सब रेगुलेशन का पालन से छूट दे सकता है, परंतु मुख्य निरीक्षक मतलब चीफ इंस्पेक्टर जो है इसमें से लागू किए गए उपबंधों से छूट दे सकता है, ठीक है, पालन से छूट दे सकता है। किसी कठोर और कॉम्पैक्ट भूमि के उत्खनन में ट्रेंचों और गर्तों के किनारे यथोचित रूप से बेंच आकार ढाल और सुरक्षित बनाए रखे जाएंगे जिससे फेस के गिरने का खतरा ना हो, ठीक है।
तो जहाँ पे कठोर और कॉम्पैक्ट भूमिका जहाँ पे कटाई हो, ठीक है, वैसे वैसे ट्रेंचों और गर्तों के किनारे यथोचित रूप से बेंच आकार ढाल बना के रखे जाएंगे, ठीक है, बेंच आकार ढाल बना के रखे जाएंगे, ठीक है, जिससे पार्श्वों के गिरने का खतरा ना हो, ठीक है, मैंने फेस का गिरने का खतरा ना हो, ठीक है, परंतु बेंच की ऊंचाई 6 मीटर से कभी अधिक नहीं होगी, ठीक है, लेकिन बेंच की ऊंचाई जो है कि कॉम्पैक्ट और हार्ड ग्राउंड जो है कि मैंने कठोर और कॉम्पैक्ट भूमि के उत्खनन में भी बेंच की ऊंचाई जो है 6 मीटर से अधिक नहीं होगी, ठीक है, उस केस में 6 मीटर से अधिक नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। कोई वृक्ष शिलाखंड या मलवा, मतलब लूज स्टोन या डेबरीज उत्खात के, मतलब जहाँ से कटाया जा रहा है, के किनारे या फेस से 3 मीटर के अंदर नहीं रखे जाएंगे, ठीक है, जहाँ से कटाई हो रहा है उससे किनारे या फेस से 3 मीटर के अंदर नहीं रखे जाएंगे, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति किसी फेस के बोल रहा है क्या, कोई व्यक्ति किसी फेस के नीचे मिट्टी ना काटेगा, ना कटने दिया जाएगा और ना ऐसे काटने की आज्ञा देगा जिससे कि ओवर हैंगिंग हो जाए, ठीक है। इस पॉइंट को फिर से अगेन रिविजन करते हैं, ठीक है। कोई वृक्ष शिलाखंड या मलवा, लूज स्टोन और डेवरेज उत्खात के किनारे या फेस से 3 मीटर के अंदर नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। कोई भी वृक्ष शिलाखंड या मलवा, मतलब लूज स्टोन और डेवरेज उत्खात के किनारे या फेस से 3 मीटर के अंदर नहीं रखे जाएंगे, जो ठीक है। कोई व्यक्ति किसी फेस के नीचे मिट्टी ना काटेगा और ना कटने दिया जाएगा और ना ही ऐसा काटने की आज्ञा देगा जिससे कि ओवर हैंगिंग हो जाए, ठीक है। अब देखिए हैं रेगुलेशन 106, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, मशीनीकृत ओपन कास्ट वर्किंग, देखते हैं क्या। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग खनन स्थल को प्रारंभ करने से पूर्व खान के स्वामी अभिकर्ता और मैनेजर यह, ठीक है, खान का स्वामी और अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उसकी कार्य पद्धति, पीट की अंतिम ढाल, डंप की ढाल और ढाल के स्थायित्व की निगरानी शामिल है या नहीं, ठीक है। तो बोला है क्या कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग खनन स्थल को प्रारंभ करने से पूर्व खान का स्वामी और अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य पद्धति, पीट की अंतिम ढाल, डंप की ढाल और ढाल के स्थायित्व की निगरानी शामिल है या नहीं, ठीक है। कार्य कार्य साधन इस प्रकार किया जाएगा, ठीक है, कार्य साधन इस प्रकार किया जाएगा जो वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा निर्धारित हो, ठीक है, जो भी कार्य हो वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा निर्धारित हो, ठीक है। ऐसे अध्ययन की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि खान के कार्यालय में होगी, ठीक है। मतलब जो भी है कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग शुरू करने से पहले सबसे पहले उसकी मेथड और वर्किंग देखेंगे, पीट की अंतिम ढाल देखेंगे, डंप की ढाल देखेंगे, डंप की ढाल देखेंगे, ढाल का स्थायित्व देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्लोप स्टेबिलिटी देखेंगे, चेक करेंगे सब चीज़ ठीक है कि नहीं, और इस बात का जो कि जाँच हम लोग जो कि वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड से करेंगे, ठीक है, वैज्ञानिक जाँच द्वारा, वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ऐसे अध्ययन के रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि खान के कार्यालय में चिपकाया जाएगा या रखे जाएगा, ठीक है। ऐसे जो भी अध्ययन होगा, मैंने जो भी जांच होगा, उसका एक रिपोर्ट प्रतिलिपि खान के कार्यालय में स्थापित की जाएगी, ठीक है, उपलब्ध रखी जाएगी, है ना। परंतु जहां उक्त अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह का साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक चेक या एग्जामिनेशन नहीं किया गया है, वहां पे उक्त अध्ययन नहीं किया गया, वहां उन विनियमों के प्रभावी होने के तारीख से 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त अध्ययन करवाने का दायित्व तो खान के स्वामी और अभिकर्ता का होगा, लेकिन जहाँ पे इस तरह का साइंटिफिक चेकिंग या साइंटिफिक परिरक्षण नहीं किया गया हो, अध्ययन नहीं किया गया हो, वहाँ से खान के प्रभावी होने से 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त अध्ययन करवाने का दायित्व तो खान के स्वामी या अभिकर्ता का होगा। अब आगे पॉइंट आता है क्या, प्रत्येक मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट खान के स्वामी अभिकर्ता और प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन के रिपोर्ट में की गई रिकमेंडेशन का पालन हो, ठीक है। प्रत्येक मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट खान के स्वामी अभिकर्ता और प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन के रिपोर्ट में की गई रिकमेंडेशन का पालन हो, ठीक है। प्रत्येक मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट खान के स्वामी, ठीक है, प्रत्येक मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट खान के स्वामी, ठीक है, जो भी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट है ना, मशीनीकृत ओपन कास्ट खान के स्वामी अभिकर्ता और प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन के रिपोर्ट में की गई रिकमेंडेशन का पालन हो, मतलब जो भी जांच पड़ताल किया गया हो उसका जो रिकमेंडेशन दिया गया, जो भी अनुज्ञा दिया गया हो उसका पालन हो, ठीक है, वो वैज्ञानिक अध्ययन के रिपोर्ट में दी गई रिकमेंडेशन का पालन हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, जलोढ़ मिट्टी, मोरम मिट्टी, बजरी मृतिका, मलवा या ऐसे अन्य भूमि से बने ओवर बर्डन में बेंचों की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट आता है क्या कि हार्ड ग्राउंड में 6 मीटर से अधिक नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आप जब आता है जलोढ़ मिट्टी, मोरम मिट्टी, बजरी मृतिका, मलवा या ऐसे अन्य भूमि से बने ओवर बर्डन में बेंचों की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा इसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 3 गुने से कम नहीं होगी, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी लिख दी है, ठीक है। तीन गुना ऊंचाई मैंने उसके तीन जो कि वेट ऑफ द विड्थ है ना, चौड़ाई जो भी है ओवरबर्डन में, चौड़ाई जो है कि जलोढ़ मिट्टी, मोरम मिट्टी, बजरी मृतिका, मलवा या अन्य ऐसे भूमि में बने ओवरबर्डन में बेंचों की ऊंचाई, ठीक है, बेंचों की ऊंचाई
बेंचों की ऊंचाई 3 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, बेंच का हाइट जो है 3 मीटर से अधिक नहीं होगा, तथा इसकी चौड़ाई जो है, मैंने इसकी चौड़ाई विड्थ है, मतलब 3 3 9 9 मीटर से अधिक नहीं होगी, इसका मतलब है ना, 3 3 मीटर यदि है ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई से 3 गुने से कम नहीं होगी। अच्छा, ये कम नहीं होगी बता रहा है, ठीक है, 3 गुने से कम नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, 3 गुने से कम नहीं होगी, ठीक है, मतलब 3 गुना होना चाहिए, ठीक है, विड्थ ऑफ द, है ना, वही पॉइंट हम लिखे हैं कि बराबर हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है, विड्थ जो है कि 3 गुने से कम नहीं होगी, ठीक है, विड्थ ज़्यादा होगा, 3 गुने से ज़्यादा होगा, ठीक है, चौड़ाई, बेंचों की चौड़ाई, ठीक। आगे देखते हैं क्या, चट्टानी संरचना वाले ओवरब्रिज बेंचों की ऊंचाई खुदाई उत्खनन या हटाने के लिए प्रयुक्त उत्खनन मशीन की खुदाई की ऊंचाई या पहुंच से अधिक नहीं होगी, ठीक है, मतलब चट्टानी संरचना वाले ओवरब्रिज बेंचों में ऊंचाई जो है, ओवरब्रिज की ऊंचाई उत्खनन या हटाने के लिए प्रयुक्त उत्खनन मशीन की खुदाई कि ऊंचाई या पहुंच से अधिक नहीं होगी, मैंने उसका हाइट जो है कि बेंच हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि खुदाई मैंने एक्सकेवेशन या एक्सट्रैक्शन करने वाले मशीनों के पहुंच से बाहर हो, ठीक है। अब आगे हम पॉइंट देखते हैं क्या कि तथा उसकी चौड़ाई निम्नलिखित से कम नहीं होगी, तथा जो कि उसका जो बेंच ऐसा जिसमें क्या बोलते हैं कि चट्टानी संरचना वाले ओवरबर्डन हो, तो उसमें जो है कि उसका चौड़ाई किस तरह से होगा उसको देखते हैं, तथा उसकी चौड़ाई निम्नलिखित में से कम नहीं होगी, बेंच पर चलने वाले सबसे चौड़ी मशीन की चौड़ाई से 2 मीटर अधिक होगी, ठीक है, मैंने विड्थ ऑफ द बेंच, मैंने चट्टानी संरचना वाले ओवरबर्डन में विड्थ ऑफ द बेंच जो है कि शुड ग्रेटर देन कितना, एक्स विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लस 2, ठीक है, विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 होना चाहिए, या तो विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन इज इक्वल बराबर 2, है ना, विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 जो है कि उसका विड्थ ऑफ द क्या होना चाहिए, ओवरबर्डन बेंच का विड्थ होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यदि बेंच पर डंपर चलते हैं तो डंपर की चौड़ाई से 3 गुना या उसके बराबर हो, ठीक है, यदि बेंच पर डंपर चलते हैं तो डंपर की चौड़ाई से 3 गुना, तो डंपर की चौड़ाई का 3 गुना, ठीक है, यदि बेंच पर डंपर चलते हो तो डंपर की चौड़ाई, मान के चले डंपर की चौड़ाई डी है, तो 3 डी से बड़ा मैंने बेंच का जो है कि चौड़ाई होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन बेंच की ऊंचाई इनमें से जो अधिक हो उसके अनुसार रखी जाएगी, ठीक है। अब आगे बताता है, मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश देकर ऐसी ऐसी शर्तों के अधीन मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश देकर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए उनमें विनिर्दिष्ट किया हुआ बेंच की ऊंचाई चौड़ाई सुनिश्चित कर सकेंगे, ठीक है, तो यहाँ इसके लिए कौन है, मुख्य निरीक्षक केवल, है ना, बेंच की ऊंचाई चौड़ाई हार्ड ग्राउंड के लिए, ठीक है, मुख्य निरीक्षक ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिए, कहीं पे मुख्य निरीक्षक है कहीं पे रीजनल इंस्पेक्टर है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे एक बार, ठीक है, पुनः इसको एक बार रिविजन कर लेंगे, ठीक है। रिक्लेमेशन रेगुलेशन 107 आता है, ओपन कास्ट माइनिंग द्वारा किए गए सभी उत्खानों को पुनः भराई में भेप ओपन कास्ट माइनिंग द्वारा किए गए सभी उत्खानों को पुनः भराई से पुनरुद्धार किया जाएगा, रिक्लेमेशन मेथड से उसको फिर से सुधारा जाएगा, ठीक है। अब फिर से रेगुलेशन 107 को हम लोग 106 को फिर से देखते हैं, ठीक है। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में खान के खनन स्थलों को प्रारंभ करने से पूर्व खान के स्वामी अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके खान पद्धति पीठ की अंतिम ढाल या डंप की ढाल के अस्थायित्व की निगरानी में शामिल है या नहीं, मतलब जो भी है उसका वैज्ञानिक अध्ययन मैंने साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, ठीक है, मतलब जहाँ पे काम मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग शुरू होगा, तो ठीक है, ये पॉइंट ये कहता है, लेकिन ऐसे अध्ययन की रिपोर्ट एक प्रतिलिपि मैंने जो भी इसका एक रिपोर्ट होगा उसका जो है कि माइंस के ऑफिस में मेंशन किया रहेगा, ठीक है, और यदि ऐसा अध्ययन साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ है, मैंने अध्ययन नहीं हो पाया, तो 1 वर्ष के अधीन उसको कर लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में स्वामी अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन, है ना, रिपोर्ट में दिए गए रिकमेंडेशन का पालन हो, ठीक है, मैंने जो भी रिकमेंडेशन दिया गया उसका पालन हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्या, जलोढ़ मिट्टी, मोरम मिट्टी, बिजरी मृतिका या अन्य मलबा जिसमें ओवरबर्डन बने, ओवरबर्डन में बेंचों की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं हो, ठीक है, मैंने जो जलोढ़ मिट्टी, मोरम मिट्टी ये सब जो भी मिट्टी है तो उसमें मैंने नरम सरफेस होगा तो वहाँ पे ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होगा, तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 3 गुने से कम नहीं होगी, ठीक है, चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 3 गुने से कम नहीं होगी, ठीक है। चट्टानी संरचना वाले ओवरबर्डन की ऊंचाई खुदाई उत्खनन करने वाले प्रयुक्त खनन मशीन की खुदाई की ऊंचाई से पहुंच से अधिक नहीं होगी, ठीक है, उस हिसाब से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो एक्स प्लस 2 मीटर से अधिक हो या बराबर हो सकती है, ठीक है, यदि बेंच पर डंपर चलते हो तो डंपर की ऊंचाई 3 गुने से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, उस हिसाब से है, ये सब जितना भी मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश देकर इन शर्तों के अधीन रहते हुए निर्देश किया हुआ उसकी ऊंचाई के अनुसार सुनिश्चित करेंगे, हमने चीफ इंस्पेक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हाइट ऑफ बेंच और विड्थ ऑफ द बेंच के लिए, ठीक है, ओवरबर्डन या लूज बजरी मिट्टी के लिए, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, रिमेन कूल, थैंक यू.